हाय एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं दरभंगा जनता दल यू के ईमानदार नेता शमशाद अली उर्फ कमरे आलम जी से मुलाकात हुई, जिसमें उपस्थित मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नौशाद उर्फ गोरे, मोहम्मद इब्राहिम के मौजूदगी में श्री नीतीश कुमार जी को बिहार से केंद्र तक पहुँचाने की बात हुई। तो आइए सुनते हैं इनकी मीठी वाणी को। आगे बढ़ने से पहले, हमारे इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं राजनीतिक रूप से 1982 से सामाजिक खिदमत कर रहा हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई पार्टियां देखी, उसके स्टेट ज़िला से लेकर के स्टेट तक का मैं पदाधिकारी रहा। मैंने दरभंगा ज़िला के हर गांव को देखा और उत्तर बिहार के कई गांवों को भी देखने का, शहरों को भी देखने का, प्रखंडों को भी देखने का मौका मिला। मैं वैसे तो बहुत सारे पार्टी में पदाधिकारी रहा हूं, लेकिन अभी मैं जनता दल यूनाइटेड में बिहार का जनरल सेक्रेटरी रहा, पार्टी का पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा, पार्टी का राज्य परिषद का सदस्य रहा, पार्टी का बहुत सारे ऑब्जर्वर रहा, पार्टी का कई ज़िला में प्रभारी रहा और मैंने पार्टी को ज़मीनी स्तर से मजबूत करने का काम किया। 2005 में ही मैंने और हमारे साथियों ने जो मेहनत की, उसने हमने बिहार की सत्ता को बदल दी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, या मुझे कोई जगह मिले ना मिले, लेकिन इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, इंसाफ के साथ विकास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बात की मुझे खुशी है। उन्होंने कभी नहीं ऐसा काम किया जिसे किसी का दिल दुखे, तकलीफ़ हो। उन्होंने जब भी काम किया कि समाज के सभी लोगों के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, अगरा हो कि पिछड़ा हो, ऊँचा हो कि नीचा हो, सारे लोगों के लिए एक साथ काम किया। साइकिल योजना चलाई, सबके लिए चलाई। पोशाक योजना चलाया उन्होंने, सबके लिए चलाया। रोड बनाया, सबके लिए बनाया। पक्की गली, पक्की नाली बनाया, सबके लिए बनाया। नल जल योजना चलाई, सबके लिए चलाया। और इस्लाम में जिस चीज़ को नापाक माना जाता है, हराम माना जाता है, शराबबंदी कानून किया, सबके लिए किया। नतीजा ये है कि आज समाज के बहुत सारे गरीब गुरबा, पिछड़े अकलियत के लोग आज इसे परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं। इसी तरह कब्रिस्तान के सवाल पर हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। उन लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने नया डिसीजन लिया और उन्होंने कब्रिस्तान के घेराबंदी का मामला अकलियत डिपार्टमेंट से लेकर के सीधे कलेक्टर और एसपी को देने का काम किया, जिससे जहाँ जहाँ विवादित कब्रिस्तान था वहाँ बाउंड्री बना। और हम कब्रिस्तान घेराबंदी कमेटी के दरभंगा के मेंबर भी सरकार ने हमें बनाया था। मैं ईमानदारी के साथ कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराया। मैं विश्व सूत्री का मेंबर रहा। मैं दरभंगा शहर का जो रोड देख रहे हैं, बड़ा बड़ा रोड, उसका भी, डूडा का भी मेंबर रहा। मैंने काम किया, इंसाफ के साथ काम किया, क्योंकि हमारे नेता इंसाफ के साथ विकास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कितनी योजनाएं मैं गिनाऊं, आप देखेंगे कि जो भी योजनाएं हैं, अब जैसे वजीफ़ा का मामला हो, बच्ची जब फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है और उसकी तालीम आगे कैसे बढ़े, उन्होंने वजीफ़ा रखा जो फर्स्ट डिवीज़न से पास करेगा 10,000, इंटर में पास करेगा कुछ। सर, एक चीज़ आप बताइएगा, आपने 1982 से राजनीति किए, बहुत शुक्रिया, और राजनीतिक दल को मजबूती के साथ पकड़े और नीतीश कुमार को यहाँ तक पहुँचाएँ जो आप बिहार से केंद्र में जा रहे हैं, और इसमें आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो इंसाफ के साथ, न्याय के साथ विकास करते हैं। अभी हमने बताया आपको कि समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है
जहां इंसाफ के साथ उन्होंने विकास नहीं किया है। अभी मैंने आपको बताया कि पोशाक योजना चलाई, सबके लिए चलाया, साइकिल योजना चलाया, सबके लिए चलाया, जल नल योजना चलाया, सबके लिए चलाया, वजीफा का मामला हो सभी की बच्चों के लिए चलाया। आप देखेंगे कि गांव को जोड़ना है, 1000 के गांव को, 500 के गांव को, हर जाति का, हर समाज के गांव को जोड़ा गया मेन सड़क से। तो नीतीश कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई तो इंसाफ के साथ उन्होंने घेराबंदी किया, अगर इन कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया तो शमशान की घेराबंदी भी कराया उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैं कहता रहूं तो मैं बोलता रहूंगा, आपका नीतीश कुमार का काम। लास्ट सवाल हमारा कि दरभंगा शहरी में आप बहुत सारे युवा हैं जो जेडीयू में, जनता दल यू यूनाइटेड में जुड़ना चाहता है, और वो अपने तन मन से बेहतर इसको मजबूती करना चाहता है, इसमें आपका क्या कहना है सर? अभी जनता दल यूनाइटेड की कार्यकर्ता सारे लोग खुश हैं, सब लोग चाहते हैं, नौजवान जुड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत आज हुई है, सदस्यता अभियान चालू है, आप तमाम लोग आएँ, हम आपको मेंबर अपने हाथों से बनाएंगे, और नीतीश कुमार का जो काम है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए, नीतीश कुमार को बिहार ही नहीं देश तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप आइए और जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बनिए, और सदस्य बन करके नीतीश के हाथों को मजबूत कीजिए, यही मेरा कहना है। सर आप अपना नाम बता दीजिए और आपका क्या है वो बता दीजिए। मेरा नाम शमशाद अली उर्फ कमरे आलम है, मैं बिहार प्रदेश जनता दल यू का प्रदेश महासचिव हूँ रहा, और अभी मैं वरिष्ठ जनता दल यूनाइटेड का नेता है, क्योंकि संगठन में मैंने बहुत काम किया, और अब हम अपने ज़िला में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं।